असलम एवरी वन इस वीडियो में हम बात करेंगे के सी इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में जो कि रही इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज कहाँ पे नजर आ रहे हैं और अपकमिंग सेशन के अंदर मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है और वीकली क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट की क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल मिल सकेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू को और देखते हैं कि मार्केट कैसी नजर आ रही है जैसे कि आज मार्केट की क्लोजिंग हमने देखी कि मार्केट की क्लोजिंग जो वो पॉजिटिव साइड पर रही ऑलमोस्ट वन थर्टी सेवन पॉइंट मार्केट ने गेन किया और इंडेक्स जो है इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है चालीस हजार एक सौ चवालीस के एरिया पे वॉल्यूम जो जनरेट किया वो क्या है 156.5 मिलियन का और ऑल शेयर का इंडेक्स का वॉल्यूम देखा जाए तो वो है 232 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम जो रहा है वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी कम है जो एक रेगुलर वॉल्यूम मार्केट में लगते आए हैं मार्केट के वॉल्यूम जो है वो वाइप आउट हो रहे हैं या हम इसको कह रहे हैं मार्केट के वॉल्यूम डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, है तो ऐसा गलत नहीं होगा के सी इंडेक्स पे भी देखा जाए तो ये भी सही बात है कि के सी इंडेक्स से भी वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं जबकि मार्केट के अंदर तेजी आई है और मार्केट एक रीबाउंड मार्केट दिखा रही है लेकिन उस रीबाउंड के ऊपर लैक ऑफ वॉल्यूम विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन ये एक थोड़ा सा वीक सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव एंड के ऊपर क्रिएट कर रहा है तो उसको चार्ट की बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे हम क्लियरली हमें वो चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दिया जो कि ये लॉन्ग आप लोअर वीक देख सकते हैं और इस लॉन्ग लोअर वेक की बेसिस के ऊपर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था और आज भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव एंड के ऊपर कि मार्केट ने जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दी तकरीबन के था लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया जो कि लास्ट कैंडल का मार्केट ने फॉर्म किया था तो ये एक टेम्परे रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए कि मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है जो कि मार्केट ने बनाया था चालीस हजार तीन सौ एक का लेवल तो चालीस हजार तीन सौ के लेवल से ऊपर पे अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग रखती है तो मार्केट के अंदर थोड़ी पोटेंशियल नजर आएगी अदरवाइज मार्केट की पोटेंशियल जो है वो हमें नजर नहीं आ रही है फिल वक्त और दूसरी चीज ये कि अगर आप लॉन्ग पोजिशन अपनी कैरी कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो इसका लो मेंशन कर सकते हैं जो कि लो मार्केट ने बनाया था 39,645 का तो अगर मार्केट थर्टी नाइन हंड्रेड uh, या सिक्स फोर्टी फाइव के लेवल को ब्रेक करके नीचे पे ट्रेड करती है तो डेफिनेटली मार्केट विल मोस्ट लाइकली टू अप्रोच टूवर्ड्स दिस एरिया जो की लास्ट टाइम पे एक पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के दिखाया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बेसिस पे मार्केट जो है वो इस तरह का एक पैटर्न जो है वो फॉर्मेशन दे रही है तो मोस्ट लाइकली मार्केट इस एरिया के ऊपर आके ट्रेड करेगी जिसका लेवल जो है वो ये बनता है कि इस एरिया पे आ जाएगी मार्केट मार्केट जो है वो इस लेवल पे आ सकती है जो कि है मार्केट का थर्टी एट थार हंड्रेड या थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड से फाइव हंड्रेड का एरिया जो कि पहले इंडिकेट कर चुके हैं आपको थ्रू हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अकॉर्डिंगली तो मार्केट की आज की पोजीशन जो है ऑल दो पॉजिटिव रही है बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर कोई कंक्लूजन बहुत अच्छा जो है वो निकल कर आया अनटिल अनलेस के मार्केट जो है वो फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड से ऊपर पे क्लोजिंग नहीं देती है तो जब तक मार्केट उससे नीचे पे रहेगी तो मार्केट के अंदर एक थ्रेट रहेगा कि मार्केट के अंदर डिक्लाइन जो है वो आ सकता है एट एनी पॉइंट इन टाइम इसी तरह से वॉल्यूम को अगर यहाँ पे गेज किया जाए तो वॉल्यूम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है कि इन लास्ट फोर डेज के अंदर वॉल्यूम का जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ जो रही है वो नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर रही है कि कंसिस्टेंटली वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहे हैं जबकि यहाँ पे हमें पहले बाइंग प्रेशर देखने को नजर आया और फिर आज पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखने को मिली लेकिन वो पॉजिटिव क्लोजिंग इतनी सफिशियंट इनफ नहीं थी कि उसने जो है प्रीसीडिंग डे के हाई को ब्रेक किया दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ठीक है अच्छा इसको देखते हैं थोड़ा आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट किस तरह से नजर आ रही है तो अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे बात करें तो मार्केट के अंदर जो है वो एक डाउन साइड अपेरेंटली एक डाउन साइड जो है वो लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है तो ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन से की आती है, आर्ली टाइम फ्रेम पे तो ये वाला जो एरिया होगा चार चालीस हजार चार सौ का एरिया और पांच सौ का एरिया ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो है वो बन सकता है मार्केट के लिए कि मार्केट यहाँ पे आके रुक सकती है और अगर मार्केट अपने तीन सौ के लेवल को क्रॉस करती है तो मार्केट के अंदर पोटेंशियल बनेगी कि वो तकरीबन चालीस हजार पांच सौ के लेवल तक जाए अदरवाइज मार्केट के अंदर जो प्रेशर अपनी जगह पे कंसिस्टेंट ही रहेगा दूसरी चीज ये कि वी अगर टाइम फ्रेम पे आर एस आई पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है कि आर एस आई कहती है कि मार्केट अकॉर्डिंग टू आर एस आई मार्केट जो है वो ऊपर जाने की फुल पोटेंशियल रखती है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है बट मार्केट नीड्स अ ट्रिगर जो कि मार्केट को अभी मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से मार्केट जो है चले तो इन आर व्यू मार्केट जो है वो तकरीबन का एक रेंज बाउंड के अगर कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो फिर मार्केट के अंदर जो है ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं या नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू आर परसेप्शन या फिर आर एनालिसिस हमें लगता है कि मार्केट uh, के अंदर ये जो एफडीएफ का जो आउटकम होगा वो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा आफ्टर uh, रिव्यू अगर वाइट लिस्ट में आ जाता है तो वो मोर देन एक्सपेक्टेड आउटकम होगा और आ, या इसको इन अदर वर्ड्स कहें तो अनएक्सपेक्टेड आउटकम होगा ठीक है कि मार्केट पाकिस्तान जो है वो वाइट लिस्ट में आ गया ऑल्दो के जनरल uh, जो एक एक्सपेक्टेशन बन रही है वो यही है कि मार्केट पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा तो उसका इतना कोई खास अः इम्पैक्ट नहीं होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर वाइट में कर देते हैं तो फिर बहुत ही ड्रास्टिक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अदरवाइज तो नहीं आ सकता थर्टी मिनट्स की कैंडल्स को देखा जाए तो थर्टी मिनट्स की कैंडल के अंदर भी हमें जो फॉर्मेशन नजर आ रही है वो यही है कि इंडेक्स जो है वो इस लेवल के ऊपर आके रेजिस्ट कर रहा है ये वाला एरिया इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है शॉर्ट टाइम फ्रेम दो तो सौर इंडे, इंडेक्स जो इंडेक्स को जो है वो को जो है वो 40,400 500 के एरिया तक स्ट्रेच कर सकती है अगर इंडेक्स इसके ऊपर तो जाता है बट सस्टेनेबिलिटी और क्लोजिंग जो है वो चालीस से ऊपर होनी चाहिए ऐसा अगर हो कि मार्केट चालीस तक जाए और इन अ डे मार्केट वापस से जो है वो Uh, नीचे आ जाती है तो उस टाइम पे आप अपनी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपनी पोजिशन को सेल ऑफ कर सकते हैं स्ट्रेट के उसको होल्ड किया जाए सो दिस इज दी जनरल एक्सपेक्टेशन फॉर मार्केट के मार्केट की जो ओवरऑल कंडीशन uh, है क्या लगती है मार्केट के लेवल्स क्या हो सकते हैं तो लेवल्स भी बता दिए आपको साथ साथ uh, जो है यहाँ पे अगर हम मूविंग uh, एवरेज की सपोर्ट ले लें जस्ट टू अंडरस्टैंड तो मूविंग एवरेज के अंदर जो इमीजिएट रेजिस्टेंस बन रही है मूविंग एवरेज की बेसिस वो, वो बन हजार तीन सौ का एरिया तो चालीस हजार तीन सौ का लेवल जैसे कि आपको बताया इससे ऊपर की क्लोजिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट ओवरऑल प्रेशर में ही रहेगी और अगर हम इसकी ट्वेंटी डेज मूविंग एवरेज देखें तो वो भी डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करिए कि प्राइस जो है वो इंडेक्स लेवल जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है और इसका जो एरिया है ट्वेंटी का वो तकरीबन तकरीबन चालीस हजार आठ सौ का एरिया है कि अगर मार्केट निकलती है तो चालीस हजार आठ सौ के पास जाके मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी जैसे कि इंडेक्स इंडेक्स ने लास्ट टाइम किया था इस लेवल पे तो मोस्ट पब्लिक ये वाला एरिया भी वो बन सकता है सो so होपफुली मार्केट के अंदर जो आ, फॉर्मेशन हो वो अच्छी हो पॉजिटिव साइड के ऊपर हो बट आप अपनी स्ट्रेटजी को जरूर यूज करें स्टॉप लॉस के लेवल बता दिए हैं कि आपको स्टॉप लॉस जो है किधर सेट करना है मार्केट की बेसिस पे तो अगर स्टॉप लॉस मार्केट की बेसिस पे हिट होता है तो कैश पे आ जाना ज्यादा बेटर रहेगा वेट किया जाए कि रिकवरी हो आ, नीचे के लेवल पे दोबारा से बाइंग की जा सकती है सो होप फुल आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो, पसंद हो तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो